वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ने खोया अपना आपा, बल्ले से हेलमेट को गेंद समझ के उड़ा दिया छक्का। जी गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वैसे आपको पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं तो आप कार्लोस ब्रेथवेट को तो जानते ही होंगे। अरे वही कार्लोस ब्रेथवेट जिन्होंने 2016 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बेन स्टोक जैसे प्लेयर के छक्के छुड़ा दिए थे बैक टू बैक छक्के मारकर, और अपने टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था। इन्होंने लगातार 4 गेंदों पे 4 छक्के लगाए थे जब टीम को 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। वैसे ये काफी तगड़े प्लेयर हैं, इनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर आपको पता लग जाएगा। लेकिन अब इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर लोग बोल रहे हैं, कार्लोस ब्रेथवेट रिमेम्बर द गेम मैन। दरअसल इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये गेंद की जगह अपना हेलमेट उतारते हैं और उसी से छक्का लगाने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं इसका भी कारण आपको बताएंगे, लेकिन अब तक ये गेंद से अपना जलवा बिखेर ही रहे थे और अब तो ये सोच ही लिए हैं कि अब हेलमेट को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। दरअसल भाइयों बात ऐसा है ना कि मैक्स 60 कैरेबियन लीग में जब एम्पायर ने इनको गलत आउट दे दिया तो इनके गुस्से का कोई ठिकाना रहा नहीं। ब्रेथवेट का गुस्सा इतना चरम सीमा पर था ना कि पूछो मत। पेवेलियन की ओर जाते वक्त ये बाउंड्री लाइन के पास खड़े हो जाते हैं और अपने सिर से हेलमेट उतार कर उसे गेंद की तरह बैट से मारकर मैदान से बाहर पहुंचा देते हैं। तभी से लोग जो हैं इनके गुस्से को देखकर हैरान हैं और बस एक ही बात बोले जा रहे हैं, कार्लोस ब्रेथवेट रिमेम्बर द गेम मैन। आप इनके गुस्से के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर कहिएगा।